अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए दामन का डिजाइन लेकर आए हैं। चौका और दामन का हम डिजाइन बनाएंगे इस ट्रायंगल के साथ हम बनाएंगे। और ये मैंने लेस ली है, ये मैं साइडों पे लगाऊंगी। अब हम सबसे पहले निशान लगाएंगे, ये मैंने फोल्ड किया हुआ है, साइडों में से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। ये मैंने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है चौका निशान लगाने के लिए। अब हम निशान लगाएंगे, 1 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने निशान लगाया, यहां से हमने बंद किया, वहां तक हम ये निशान रखेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से कपड़े को खोलेंगे हम। निशान तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम एक अलहदा पीस लेंगे, ये मैंने एक पीस लिया, इसे डबल मैंने फोल्ड किया। एक इंच के करीब हमें ये पीस चाहिए। अब हम इसे इस तरह से कपड़ा लगाएंगे, और इसकी दूसरी साइड हम इस तरह से रखेंगे। और इधर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को सीधा रखना है, और चाको हमने उल्टा रखना है इस तरह से। और हम इसके साथ सिलाई लगाएंगे। दो पैर का हम टांका लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
दरमियान में से। ऐसे नौ पे हम कट लगाएंगे छोटे छोटे और इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारा फोल्ड कर लिया दोनों तरफ से। अब हम लैस लगाएंगे। इस तरह से हम लैस लगाएंगे। आराम आराम से आप लगाएंगे, कपड़े को नहीं खींचना, लैस को नहीं खींचना। इस तरह से फिर हम दो पैर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने लगा लिया। अब हमने चाक को हमने इस तरह से अलहदा कर लेना। सिलाई से हम थोड़ा नीचे रखेंगे। अब मैंने ये पीस लिया। सवा दो इंच का इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों
चाप बना लिए। अब हम दामन बनाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसे। अब हम इसमें लैस लगाएंगे और इसे अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसे लैस को लगाएंगे और इस साइड पे हम इस तरह से इसके साथ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने पट्टी लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। डेढ़ इंच की ये मैंने पट्टी ली है, इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम इसमें इस तरह से ट्रायंगल लगाते जाएंगे। तीन कलर के अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने बाजू मुकम्मल कर लिए। ये देखें और इसके साथ मैंने ये दामन बनाया। बैक साइड पे भी हमने इसी तरह से बनाया। और साइड में मैंने ये लैस लगाकर रिबन लगाया। तो हमारी सादा सा कमीज कितनी प्यारी और नाइस बनी है। इस तरह से हमारी ये कमीज मुकम्मल है। यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।